Thank you. Welcome to you. सेक्रेटरीट में यहाँ पे सब जमा है। आज का जो इवेंट जो है, जैसे हमारा यूएलपी और टाउन प्लानिंग के जो ऑफिसर ने जो बताया कि ये स्वच्छता ही सेवा, दिस इवेंट इनफैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट स्वच्छता, स्वच्छता ही स्वच्छ भारत, इनफैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014, तब से ही पूरे देश भर में स्वच्छता का जो अभियान है वो तब से ही शुरू हुआ। इस बार का स्पेशल इवेंट है कि स्वच्छता ही सेवा, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 15 टिल 2 अक्टूबर, तो ये पूरे देश में चल रहा है। और ख़ास करके इसका एक मैसेजिंग है कि क्लीनलीनेस जो है हर एक नुक एंड कॉर्नर थ्रू आउट द कंट्री हम लोगों को कैरी आउट करना है, और ख़ास करके जहाँ जहाँ हम लोगों का जो इंस्टीट्यूशन है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ है, इन सभी जगहों में हम लोगों को ये साफ सफाई हम लोगों को रखना चाहिए। तो यहाँ जीरो का कार्यक्रम आज सवेरे हम लोग साइक्लोथॉन और प्लॉगिंग के रूप में हम लोग यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। सो मैं खास करके जितने भी जो आज इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेशली आई कैन सी मैनी यंग फेसेस, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। और आज साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि स्वच्छता अभियान जो है केवल आज ही हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, इसको पूरा हम लोग लाइफ लॉन्ग हम लोग कैरी ऑन करना है। फ्यूचर में भी हम लोग कहीं भी हो, ये जो स्वच्छता का जो स्पिरिट है हम लोगों को हमेशा इसको कैरी आउट हम लोग को करना चाहिए। एंड वी शुड इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटीज और जितने भी जो लोग हैं कि जहाँ भी हो अभी हम लोगों को साफ सफाई रखना ज़रूरी है। एंड खास करके जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको हम लोगों को धीरे धीरे उसका यूज़ करने का जो हैबिट है उसको हम लोगों को छोड़ना होगा। राज्य स्तर में अभी हम लोग पॉलिसी बना रहा है कि अरुणाचल शुड ऑल्सो बी ए प्लास्टिक फ्री जोन इन कमिंग डेज। जैसे अभी कुछ कुछ स्टेट्स ने, छोटा छोटा स्टेट्स ने अभी ये सब प्लास्टिक को बैन करने का कार्यक्रम जो शुरू किया है, तो धीरे धीरे अरुणाचल सरकार भी आने वाला दिनों में प्लास्टिक को, हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को धीरे धीरे इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। क्योंकि इस दुनिया का जितने भी जो हम लोगों का जो ग्रीनरी हो गया और मदर अर्थ का जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हम लोग का ही ड्यूटी है इस मदर अर्थ को नर्चर करके रखने के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये हम सभी का रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद देंगे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का जिला के जो प्रशासन जो आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और एक बार फिर आज के जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को एक बार फिर इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं।
थैंक यू, जय हिंद, जय अरुणाचल। इनफैक्ट ये स्वच्छता ही सेवा, ये एक देश भर में जन आंदोलन ये स्वच्छता का हो रहा है। ये एक्चुअली 15 ये महीना का 15 तारीख से लेके हमको 2 तारीख तक का ये पूरा जो 14 डेज है ये इसका स्वच्छता का हमारा जन आंदोलन हो रहा है। तो इसमें हम पूरा देश भर में ये साफ सफाई का पूरा जारी है। और आज हम ये पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने जगह पे सब लोग अपने अपने एक्टिविटीज़ क्लीननेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और आज हम ये जीरो में भी हम ये प्लॉगिंग जो बोलते हैं दौर दौर के जो कचरा उठाना, और इसके बाद साइक्लोटोन फॉर फेडल फॉर स्वच्छ भारत, ये गर्बेज फ्री इंडिया, ये टीम का में हम आज ये ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा ये मैसेज ये है कि बिहेवियरल चेंजेस, आदमी जहाँ तक कचरा नहीं फेंकना है, यही हमारा एक बिहेवियरल चेंजेस को लाने के लिए हम ये आज का ये साइक्लोटोन और ये प्लॉगिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं जितना भी हमारे यहाँ देश के जो स्टेट का जो लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप घर पे अपने अपने घर पे कचरा को सेग्रीगेशन वेस्ट वेट वेस्ट उसके बाद सॉलिड वेस्ट और उसके बाद आप ये मेडिकल वेस्ट 3 कंपोनेंट के कम से कम सेग्रीगेट करके जब हमारा कूड़ा कचरा वाला म्यूनिसिपलिटीज़ वाला का गाड़ी आता है आप उस प्रकार से कचरा को आप जमा करें, ये हम आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सर। आज यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो कौन कौन है उसको थोड़ा? आज हमारे यहाँ पे ये बहुत एक बड़ा इवेंट है। तो सबसे पहले हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर खुद ये आके इसका इम्पोर्टेंस को, इसका अवेयरनेस को क्रिएट करने के खुद वो ईटानगर से चल के आया। ये उसके साथ में हमारे